आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने में छत्तीसगढ़ के जो सामान्य जानकारी है वो आपके सामने में रख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव दिवस 1 नवंबर 2020 इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपके सामने में रख रहा हूँ, प्रस्तुत है। देखिए, और कुछ जानकारियों को अपने साथ अपने दिमाग में बिठा करके रखिए क्योंकि भविष्य में इसका काम आता है। और कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल आपको इसके जनरल नॉलेज है वो पूछते हैं और देखने को मिलता है। चलिए, पहला पॉइंट आपके लिए रखा हुआ हूँ नामकरण। इसका नामकरण कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? तो पहला राज्य जरासंध महाभारतकालीन नाम है वो छत्तीसगढ़ है। देखिए, महाभारत काल में इसका नाम छत्तीसगढ़ हो चुका था। कलचुरी वंश में जाता हूं तो कलचुरी वंश के अभिलेखों के अनुसार इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। और सन 1686 ईस्वी में कवि गोपाल चंद्र मिश्र की कृति अद्य खूब तमाशा नामक एक उनकी लेख है, उनमें इस क्षेत्र का उल्लेख हुआ जिसे साफ साफ छत्तीसगढ़ कहा गया। तो इस प्रकार से इतने पुराने समय से इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। और आगे हम लोगों ने उसमें भी सुने हैं कि खैरागढ़ राज्य क्षेत्र में ये नाम भी बहुत प्रचलित हुआ। यहीं से ही संगीत विश्वविद्यालय से ही इस क्षेत्र को विशेष ख्याति मिली और छत्तीसगढ़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए रखा हूँ राज्य का गठन। राज्य का गठन है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कितने कितने तारीखों को, कितने कितने दिनांकों को वह आगे बढ़ा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसमें पहला बात तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम परिकल्पना सन 1918 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। इनके द्वारा किया गया था, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, जिसके नाम पे आज छत्तीसगढ़ का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में ये स्थित है। हमारे राजिम क्षेत्र के लोगों को बहुत ही गर्व करना चाहिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म है और राजिम क्षेत्र में 21 दिसंबर को राजिम क्षेत्र में हुआ था। तो इनकी रुचि है वो बिल्कुल राजनीतिक में था ही, लेकिन समाज के क्षेत्रों में भी, सामाजिक कार्यों में भी बड़ा ही रुचि था और करते भी थे। इसलिए बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अपने क्षेत्र के और पूरे छत्तीसगढ़ में भी प्रसिद्ध थे। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की परिकल्पना सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। छत्तीसगढ़ के निर्माण के मांग ने विशेष स्वरूप पकड़ा। कब इसका शुरुआत हुआ, भाई जोर लगा, ये 1956 ईस्वी में शुरुआत हुआ। छत्तीसगढ़ का निर्माण अलग से हो, अलग राज्य बने, ऐसा करके छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित सन 1993 में हुआ। देखिए, छत्तीसगढ़ से जब अलग करना है तो विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, सन 1993 में ईस्वी में हुआ था। इसी तरीके से आगे बढ़ता हूं तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पारित हुआ 31 जुलाई 2000। देखिए, लोकसभा में कब हुआ इसका, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का, देखिए कब इनकी परिकल्पना हुई और कब यहां से इनका धीरे धीरे ये विधेयक पारित हुआ लोकसभा में। इसके बाद राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पारित हुआ, ये हुआ आपका 9 अगस्त 2000। ये लोकसभा में 31 जुलाई, राज्यसभा में 9 अगस्त को ये विधेयक पारित हुआ। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की अधिसूचना जारी हुआ 4 सितंबर 2000 को। तो इस प्रकार से ये समय का इस तारीखों के अनुसार से, समय के अनुसार से ये गठन की ओर आगे बढ़ने लगा और अंततः फाइनली इस राज्य का गठन है वह राज्य का गठन हुआ 31 अक्टूबर 2000 मध्य रात्रि। देखिए, 31 अक्टूबर 2000 की मध्य रात्रि को इसका गठन हुआ, लेकिन राज्य दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर। यही मध्य रात्रि 12 बजने के बाद हुआ, इसकी वजह से हमारा जो राज्य दिवस है 1 नवंबर में आ गया। इस प्रकार से राज्य दिवस हम 1 नवंबर को मनाते हैं और राज्य की स्थापना मानी जाती है 1 नवंबर सन 2000। तो इस प्रकार से कुछ कुछ जानकारियां हैं बच्चों। छत्तीसगढ़ भारत संघ का राज्य है। कौन सा नंबर का राज्य था, ये 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ पूरे देश से अगर सम्मिलित करके देखें, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है हमारे न्यू रायपुर, रायपुर है इसका राजधानी। और छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, जो कि देश का 19वां उच्च न्यायालय है। इस प्रकार से ये राज्य का गठन से संबंधित कुछ जानकारियां हो गई दोस्तों। और आपके आगे में एक छोटा सा और जानकारी रखा हुआ हूं, ये है आपका क्षेत्रफल एवं सीमाएं। क्षेत्रफल, कौन कौन सी सीमाएं सटी हुई है छत्तीसगढ़ से, उसके बारे में जानकारी है। राज्य का क्षेत्रफल है 136,034 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है।
136,034 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान 9वां स्थान है। छत्तीसगढ़ देश में 9वें स्थान पे है, इसका क्षेत्रफल अच्छा खासा बड़ा हिस्सा है और कुल राष्ट्रीय क्षेत्रफल में पूरे देश का जो हिस्सा है उसमें से छत्तीसगढ़ का योगदान है वो 4.11% है। ये क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये 4.11% उसका क्षेत्रफल है जो पूरे देश के लिए योगदान होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है। और उसी तरीके से आगे बताऊं कि उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है ऊपर से नीचे हमारे भारत देश हिमालय पहाड़ से लेकर के नीचे श्रीलंका जो एरिया है, इतने जो सीधी लंबाई है उसकी, जो छत्तीसगढ़ की ऐसी लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये 360 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम हमारी छत्तीसगढ़ की लंबाई है 140 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसका भी जानकारी हमें रहना चाहिए। और आगे बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से राज्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से सटे हुए हैं। तो पहला हो गया ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इस प्रकार से 7 राज्य, 7 राज्य है जो हमारे इस छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है ओडिशा के साथ। ओडिशा की जो सीमा है छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक लंबाई पे लगती है, सबसे ज़्यादा लंबी है। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य जानकारियाँ छत्तीसगढ़ की हो गई। राज्य की आकृति है वो कैसी दिखती है, तो इसके लिए आपके सामने में आंसर है सी हॉर्स कहा जाता है। सी हॉर्स दरियाई घोड़ा, छोटा सा रहता है घोड़ा आकार का। तो हमारा छत्तीसगढ़ की आकृति है वो दरियाई घोड़े के समान सी हॉर्स की भांति दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और प्लीज़ कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।